हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। आवर टुडेज टॉपिक इज राइमिंग वर्ड्स। तो राइमिंग वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? वर्ड्स हैविंग सेम एंडिंग साउंड। ऐसे वर्ड्स जिसका एंडिंग साउंड क्या होता है? सेम होता है, उसे कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। देखो हम एग्जाम्पल देखते हैं उसके, ठीक है? एफ आई एन फीन, टी आई एन टीन, पी आई एन पीन। एंडिंग साउंड क्या है इसमें? इन इन इन। तो इसे हम क्या कहेंगे? राइमिंग वर्ड्स। गुड। सेकेंड एग्जाम्पल, सी ओ टी कॉट, डी ओ टी डॉट, एच ओ टी हॉट। एंडिंग साउंड इज ऑट ऑट ऑट। इसे भी हम क्या कहेंगे? राइमिंग वर्ड्स। थर्ड एग्जाम्पल इज बी यू एन बर्न, जी यू एन गर्न, एस यू एन सर्न। एंडिंग साउंड क्या है? अन अन अन। तो दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स। सो अभी हमने राइमिंग वर्ड्स का कंसेप्ट देखा, अब हम क्या करेंगे? अपने नोटबुक में उस राइमिंग वर्ड्स को लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट सी डब्ल्यू, सी डॉट डब्ल्यू, क्लास वर्क। टॉपिक का नाम क्या है? राइमिंग वर्ड्स। सो राइट डाउन हियर आर एच वाई एम आई एन जी राइमिंग, डब्ल्यू O R D S राइमिंग वर्ड्स। तो हम फर्स्ट राइमिंग वर्ड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको वन नंबर देना है। तो वॉवेल कौन से होते हैं? A E I O U। हम उसी तरीके से लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वॉवेल इज A, तो A से हम स्टार्ट करेंगे। A T। एंडिंग साउंड है कौन सा है ये? एट। तो अब हम इसके राइमिंग वर्ड्स लिखेंगे। बी ए टी बैट, सी ए टी कैट, एम ए टी मैट, एट एट एट। सबका एंडिंग साउंड सेम है, इट मीन्स दीज आर राइमिंग वर्ड्स। सेकेंड वॉवेल कौन सा होता है? ई। तो ई का एंडिंग साउंड करते हैं अब। ई एन एन डैश वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स लिखे। ओके। एम ई एन मैन कॉमा एच ई एन हेन कॉमा D E N den। सब में एंडिंग साउंड क्या है? N N N। तो इसे भी हम क्या कहेंगे? राइमिंग वर्ड्स। थर्ड I, I का एंडिंग साउंड है अब हम यहाँ लिखेंगे I N in। द वर्ड्स आर P I N pin कॉमा T I N teen comma B I N bean। ending sound is in in in। same ending sound means these are rhyming words। good। fourth one is O, O G og, O G og। वर्ड्स D O G dog कॉमा L O G log कॉमा F O G fog। सब में एंडिंग साउंड क्या है? og, O G og। तो इसे भी हम क्या कहेंगे? राइमिंग वर्ड्स। लास्ट वन इज U, U N, U N un।
वर्ड्स लिखेंगे हम आर यू एन रन कॉमा बी यू एन बन कॉमा जी यू एन गन। एंडिंग साउंड क्या है इसमें अभी अन अन अन, इसे भी हम क्या कहेंगे राइमिंग वर्ड्स। तो आपको पता चला राइमिंग वर्ड्स मीन्स क्या, वर्ड्स हैविंग सेम एंडिंग साउंड, इसे हम क्या कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो अब हमें नीचे लिखना है सेम एज क्लास वर्क, तो ये है आपका क्लास वर्क। अगेन आपको वन टाइम और रिपीट करना है एज अ होमवर्क। आपको राइमिंग वर्ड समझ में आ गए होंगे, आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।